बुधवार को डीएम अंशुल अग्रवाल ने डेंगू उपचार की तैयारी को लेकर सदर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी के द्वारा ब्लड टेस्टिंग सेंटर, ब्लड डोनेशन सेंटर एवं डेंगू के उपचार के लिए सदर अस्पताल में तैयार किए गए 10 मच्छरदानी युक्त बेडों का निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी ने सदर अस्पताल में आए हुए मरीजों के परिजनों से अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने नगर परिषद बक्सर, डुमराव एवं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को रोस्टर बताते हुए नियमित रूप से फॉलिंग करने एवं एंटी लार्वा का स्प्रे कराने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी निर्देश दिया गया कि प्रतिनियुक्ति कर्मी नियमित रूप से घरों में जाकर व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करते हुए डेंगू से बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करें कि घरों के आसपास, घर के अंदर कूलर, गमला, बाल्टी एवं अन्य सामग्री में साफ पानी जमा ना होने दें, क्योंकि डेंगू के मच्छर साफ पानी में ही पनपते हैं। घरों के अंदर साफ सफाई बनाए रखें, नियमित रूप से मच्छरदानी का उपयोग करें। डीएम ने सिविल सर्जन को रक्तदान शिविर लगाने, डेंगू की जांच की सभी आवश्यकताएं, सुविधाएं एवं दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। अनुमंडल अस्पताल डुमराव में 5 एवं बक्सर जिला अंतर्गत विभिन्न पीएससी, सीएसपी में 15 बेड डेंगू उपचार के लिए तैयार किया गया है। राजरंजन की सिटी न्यूज बक्सर से एक खास रिपोर्ट। पानी है वो समय के बाद आती है और समय से पहले चले जाती है। तो उनकी लगातार शिकायत मिल रही है, अब तक कार्रवाई नहीं हुई उन पर, क्यों? नहीं नहीं ठीक है, दिखवा लेते हैं। बहुत समय बाद देखिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू हुई है। हज़ारों रुपए जो है मरीजों को बाहर देने पड़ते थे, मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छा नहीं लगता था। यदि मतलब इसमें कोई समस्या आ रही है तो उसका हम लोग समाधान निकालेंगे। सर कहा यह जा रहा है किसी पर देखिए कार्रवाई कर देंगे, फिर सब बाहर जाएंगे, क्योंकि उचित नहीं, पर जो उनका समय है निर्धारित उससे वो आए, ये हम लोग। लेकिन सर जिस समस्या को दूर कराने के लिए आपने यह व्यवस्था किया था, लोगों को तो बाहर जाना पड़ रहा है ना अभी, मतलब जो गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह से संबंधित हैं उनको भी, गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह का अल्ट्रासाउंड किया जाना? नहीं, मैं एक बार आंकड़ा भी ले लेता हूँ, प्रतिदिन लगभग कितने अल्ट्रासाउंड जो है उनके द्वारा किए जा रहे हैं, ये आंकड़ा बिल्कुल मैं ले लेता हूँ। और ये हम लोग देखेंगे जिसको भी गायनेकोलॉजिस्ट वगैरह से संबंधित अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। सर लगातार जिस तरह से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, सर ऐसे में क्या अतिरिक्त डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की गई सर डेंगू वार्ड को देखते हुए? नहीं, अभी के लिए उसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जैसे मैंने बताया बक्सर जिला में मतलब जो है जो जितने भी केसेज आए वो प्रायः हम लोगों ने जब उनका ट्रैकिंग करवाया तो अन्य राज्यों से, अन्य जिलों से आए हुए वो व्यक्ति थे। कल एकमात्र व्यक्ति जो यहाँ पर एडमिट थे वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घर पर जा चुके हैं, और बाकी डॉक्टर्स और बाकी सब व्यवस्थाएं हम लोग पर्याप्त हैं। यदि कोई मतलब होगी तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से हम लोगों के साथ हैं, हम लोग और समन्वय स्थापित करते हुए व्यवस्था करें। थैंक यू।